दोस्तों अज आ 16 तरीक 16 मई 2023 तो सानू घरों आया नू पूरा एक महीना हो गया। 16 तरीक नू असी पंजाब तो चले सी ते इस एक महीने दौरान असी आसाम का काफ़ी वड्डा हिस्सा कुछ हिस्सा नागालैंड का मिजोरम मेघालय ते पिछे बिहार यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ इतों सारे लंघते हुए एक महीने दे विच कोई 5-6 हज़ार किलोमीटर के करीब असी बाइक साढ़े चल गया ते काफ़ी कुछ वेख लिया। मणिपुर की यात्रा साड़ी इस करके रह गई कि उत्थे कुछ वायलेंस चल रहा इस करके उत्थे जाने की इजाजत नहीं गई। तो अज असी रात सीगे कोहिमा दो रात असी कोहिमा रहे कल पूरी दिहाड़ी कोहिमा नूं एक्सप्लोर किया वो तुसीं वीडियो देख ही लिया तो अज असी छड्ड के जा रहे हैं कोहिमा नूं और देखो काफ़ी खराब आ बरसात दे विच ही आए सी ते लगभग बरसात दे विच ही इत्थों वापस जा रहे हैं। देखोगे तुसीं पूरा धुंद पई हुई आ और बदल पूरे खराब होए और जिहड़ी गल सब तो अफसोसनाक आ वह यह आ कि जिस तरह का मौसम बन रहा बंगाल की खाड़ी दे विच कोई भुचाल वगैरह आया होया और जिस तरह का पूरे नॉर्थ ईस्ट दे विच मौसम बन रहा और नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत दे विच भी राजस्थान पंजाब ये सारा जिस तरह का मौसम बन रहा तो बाइक पर यह राइड करनी थोड़ी जी औखी हो गई। असी अज वापस चले हाँ एक बार जौहरहाट जावे उस तो बाद देखांगे कि राइड चालू रखनी है कि खत्म करनी है क्योंकि जे बरसात आ गई तो असी अरुणाचल करना तो अरुणाचल दे विच काफ़ी पहाड़ियाँ वड्डियाँ हिमाचल वर्गा अरुणाचल उस तो भी वड्डे पहाड़ आ कई कई जगह इस करके हुण ऐ समझ लो कि मीह की जिहड़ी तलवार आ वो साडी इस राइड ते लमक चुकी आ ते देखते हैं कि किस तरह का माहौल चल आ ये राइड जारी रखनी है कि नहीं रखनी इस आने वाला समा दसेगा। तो हुण दोस्तों एक बार चलते हैं जौहरहाट बहुत धन्यवाद। नागालैंड के वड्डे ते ठंडे पहाड़ों नूं छड्ड के आपां फिर चौथी बार आसाम दे विच एंटर हो गए हैं और जिवें आसाम च एंटर होए हैं तो देखो जिहड़े सामने तुसीं खेत देख रहे हो इत्थों झोना एक बार इन्होंने वढ लिया आपां हजे झोना ला रहे हैं पर इन्होंने एक बार झोना वढ वुढ के पूरा संभाल लिया और जिवें ही दोबारा बरसातां शुरू होंदियां इत्थे झोना फिर लाया जाऊगा तो हुण उन्ना चिर इत्थे चल रही गावां तो आपां इह सारे नॉर्थ ईस्ट टूर दे विच चौथी बार आसाम दे विच दाखिल होए हैं। जिवें पहलां वी एक वीडियो गल कीती सी कि आसाम जिहड़ा बिल्कुल विचों विच आ सारियां स्टेटां दे ते आसाम नूं सत्तां स्टेटां की हद लगती है दोनों देशों की लगती है इस करके जो नॉर्थ ईस्ट करीदा तो वार बार तुहानूं आना जाना पैंदा इधर और पहाड़ जिहड़े नागालैंड वाले वो सत हो गए दूर। मौसम मीह तो नहीं अज पै रहा तो पर मौसम एक बार धुप निकली सी पूरी पर फिर हुण बदलवाई हो गई है। ये रस्ता जाता जौहरहाट वालों जौहरहाट नूं अगे शहर आ मझौली दरिया पार करके ब्रह्मपुत्र दरिया नूं पार करके शहर आ मझौली तो उत्थे बेड़े दे जरिए जाना पैंदा विच मोटरसाइकिल रख के ते बेड़े दे विच मझौली जावांगे जौहरहाट तो थोड़ा जिहा अगे जा के ब्रह्मपुत्र नदी दे विच उद्दों अगे इक टापू आ उहदे विच रहण लई बणिया अज रात असीं उत्थे रहांगे ते ये बाकी सारा कुछ जाके पता लगू। वैसे टाइम साढ़े कोल काफ़ी हैगा कि असीं उत्थे टाइम नाल जा सकीए टाइम नाल वो जिहड़ी बेड़े दा हैगा वो आनंद लै के ते पार कर दीए ते बाकी उत्थे जा के सारा कुछ ज़्यादा क्लीयर होगा। ये रस्ता आउंदा वा डीमापुर तो जिहड़ा नागालैंड का बिल्कुल लास्ट शहर आ आसाम के बॉर्डर ते ये हैगा 139 नंबर हाईवे सोहना रोड बनिया होया तो असी 2 बजे के करीब मझौली पहुँच सकते हैं तो ये गलबात सी। बाकी हुण जाके मझौली देखते हैं तो किवें नदी पार करनी है ब्रह्मपुत्र दरिया मोटरसाइकलों के सने तो किवें अगे टापू ते रात रहना ये बारे सारा कुछ दिखाने इत्थे जिहड़ियां
असाम के संघने जंगलों में घिरी है काली शाह सड़क, असाम नागालैंड नाल जोड़ती है और इस रोड से बहुत संघने जंगल है। जो देखा जाए वैसे ये लाए गए दरख्त पता नहीं केड़ा वा पर सारा लाया गया ये गल क्लीयर है और सड़क बहुत सोहनी है। 129 नंबर हाईवे से असी डीमापुर तो आ रहे हैं गोला घाट वालू, ये सड़क नागालैंड से असाम जोड़ती है। इदों पिछे भी देखो पूरे संघने जंगल है और असाम के मैदानी इलाकों के जड़ा वेख्या उ गावं चार रही सी जां बकरियां चार रही वो छोटिया छोटिया गावं वा बड़े वे इज्जड़ आ गावं के जिमें बकरियां भेड़ा के इज्जड़ होंगे इस तरह के इज्जड़ आ। और मैं मेरा अंदाजा ये है वैसे तो सच ही होगा कि जड़िया सारिया गावं नागालैंड जाके इन्हों का जड़ा बीफ आ वह खाधा जाता और जड़िया गावं स्पैशली बीफ लिए तैयार की जाएँ और वे इज्जड़ा क्योंकि इतने खुले मैदान आ कोई उन्होंने पट्ठे पाने की लड़ या कुछ नहीं पाने की लड़ वो उवें ही चरदियाँ तो उस तो बाद नागालैंड भेज दती जा। बकरियां तो छोटिया छोटिया जड़िया गावं ये सड़क पर आम ही फिर वेखिया जा सकदियाँ तो ये जिद करके मैं इतने रुकिया वो आसाम की सड़क दे आले दुआले ये संघने जंगल। ये उही नदी है जिहड़ी डीमापुर दे विच दी लंघदी है धनसेरी, इत्थों दी भी यह गोला घाट विच दी लंघदी है। गोला घाट काफ़ी अच्छे दृश्य बनाउंदी है हालांकि जदों ये डीमापुर विच दी लंघदी है तो छोटी लगती है पता नहीं अगों कदों पानी इहनूं बन्निआ जां इसका जिहड़ा वैसे धरातली इस तरह की है उत्थे छोटी लगती है इत्थे वड्डी लगती है। दूजे बन्ने तो भी काफ़ी खूबसूरत व्यू बनाउंदी है और इहदे विच अगे देखिए तो दूर काफ़ी लोग मछियां फड़ रहे हैं। काफ़ी साफ पानी है और अगे काफ़ी लोग मछियां फड़ रहे हैं विचाले घाट भी बनया हुआ और आसे पासे दे जिहड़े नज़ारे आसाम दे विच भी खूबसूरत होंदे आ। पिछे असीं छड के आए हाँ काफ़ी वड्डे जंगल, उस तो पिछे पहाड़ आ काफ़ी वड्डे ते इस तरह आसाम दे विच भी कई थाई मैदान पहाड़ नदियाँ सारा कुछ वगदा धरातों के जे पक्ष तो देखिए जां कुदरत दे पक्ष तो देखिए तो सारा ही नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत आ। बाकी तो चलो अलग अलग लोगों का सुभा खाण पीन रहन सहन अलग हो सकता पर कुदरत दे नाल ये सारा माला माल आ। खेती हुंदी भी आ चाहे घट हुंदी आ, पशु पाले जाते आ गावं पालिया जांदियां बकरियां भेड़ां कई कुछ आ ते खेती भी वाधू आ पर कुल मिला के जे कुदरत दे पक्ष तो देखिए तो यह बहुत अमीर आ। ते हुण आपां चलना थोड़ा जिहा अगे गोला घाट तो थोड़ा जिहा अगे ही हुण आऊगा जौरहाट ते जौरहाट तो आपां ब्रह्मपुत्र दरिया पार करना उत्थे जाके देखदे आं किहो जिहियां स्थितियां वा की हिसाब किताब आ। पर कहिंदे उत्थे सड़क नहीं हैगी बेड़े उत्ते रख के बाइक ते पार करवा लईदे आ और उत्थे ब्रह्मपुत्र दा जिहड़ा खलारा काफ़ी लम्मा चौड़ा और वो पार करन दे नाल नाल काफ़ी एंजॉयमेंट भी हो जाती है। असियां जिहड़ा गुहाटी तो तेजपुर वैदी आउंदा रोड जौरहाट वालू ते अगे तेजू वालू निकल जाता उस रोड ते चढ़ गए जौरहाट जाण लई। इत्थे एक आके चाह दे बहुत वड्डे बाग आ बहुत वड्डे हजारां एकड़ दे विच चाह ही चाह खड़ी है और दोनों पासे करे भी सारे जी चाह ही चाह खड़ी है और हजारां एकड़ दे विच फैली हुई है। काफ़ी सोहने बाग लगते हैं विच इन्हां दे दरख्त भी लगे होंदे आ हमेशा ही जिथे चाह दे बाग होंदे विच दरख्त लगे ही होंदे। तो सानू इत्थे जौरहाट रह गया कोई 25-30 किलोमीटर के करीब रह गया
बस 25-30 किलोमीटर बाद अभी जौहरा पहुँच जाएंगे, उस तो बाद मजौली वाली। आप चलते हम जौहरा वाले, रोड काफ़ी फोर लैन वर्गा, भावें अपने फोर लैन तो इन्हों के फोर लैन के बहुत फर्क है, पर फिर भी काफ़ी सोहना रोड बनया हुआ जो गुवाहाटी तो तेजू वालू जाता। ये रोड भी कई शहर आप जोड़ता जोड़ता कई पास निकल जाता। यह भारत दियां वड्डियां नदियों के विचों एक नदी ब्रह्मपुत्र, जिहड़ी आसाम की नहीं जिधर दूर तक निगाह जाती है, जिथों तक निगाह जाती है नदी नदी, और इन्ना तेज बहाव और तेज पानी और कई किलोमीटर के घेरे में यह नदी वगदी है। और सच ची ये जी आसाम की लाइफ लाइन आ, क्योंकि आसाम के बिल्कुल विच ही लंघती है। तेजू तो कई होर जगह तो मिल के ये अरुणाचल प्रदेश वालों आती है, अरुणाचल के अरुणाचल के जोड़े व्डे पहाड़ आ उन्होंने निकलती है, और पिछों ये इस घाट तो इतने एक स्टैंड बनया, उतों सारा समान लद लिया जाता, और जोड़े लोग ये थले बैठे हुए, लोग थले पूरे बैठे हुए। देखो गड्डियां बनिया तनिया, और साढ़े बाइक उपर, क्योंकि सारे बाइक उपर चढ़ाए हुए सी, पर साढ़े समान करके इस करके बाइक उपर नहीं चढ़ते, ये करके बाइक इत्थे खड़ाए, जिदे करके काफी परेशानी भी आ रही लोगों नूं आउण जाण वालिआं नूं। पर उन्होंने सानू ये आवाज दे दी कि तुसी बाइक इत्थे रोक लो, मेरा बाइक आ खड़ा। और फैला देखो यदा कि हजार एकड़ा दे विच ये पानी का फैला, और यह सचमुच एड्डी नदी वड्डी है, इत्थे कोई पानी खड़ा होया नहीं गा, पानी बहुत तेजी नाल वग रहा और बहुत साफ पानी है। हो सकता कुछ जिहड़ियां जिहड़े जहाज आ वह पासे जा रहे हैं, और साडे वाला किसी होर साइड नूं जा रहा, और असी जाना मजौली टापू, क्योंकि असी रात इत्थे रहना। तो हम देखते हैं भी ये बड़ी स्लो चलता, बड़े आराम ना चलता, कोई रौला नहीं पाता, बिल्कुल स्लो स्लो चली जाता, पर ये एक वक्खरा ही मंजर है। असल दे विच असी जिथे खड़े हाँ इतों पूरा विचाले खड़े हुए, असं पिछे भी बाइक आ ते अगे गड्डियां खड़िया, असं उहदे विचाले एक जगह जगह लभ के खड़ गए, और जे किसी एक तरफ होंदे तां बहुत वधिया इदों ही वधिया वीडियो शूट होनी सी। पर क्या बात आ, ये जिहड़ी नदी आ इहदा जिहड़ा पद्धर आ, मतलब जिहनूं दूरों देखिए तो कनेडा कनूडा दीआं नदियां दे बराबरी करदी आ, बहुत ज़्यादा वड्डी नदी आ, और बहुत ज़्यादा जे तुसी अगे देख सको तो बहुत ज़्यादा वक्फे दे विच पानी पानी खड़ा होया, और आपां बाद दे विच भी इहनूं शूट करते रहांगे, क्योंकि अज असी रात रहना इस नदी दे विच विचाले। धुप एक बार फिर निकल आई है, नदी दे विच सूरज दी रोशनी पैण नाल पानी चमकण लग गया, और बहुत सोहणे नज़ारे पेश करदा, भावें सूरज ते बदल आ पर फिर भी धुप चमकण नाल काफ़ी सोहणा दृश्य बन रहा, और लगातार फैरी अपने मंजिल नूं वधदी हुई, और सानू नहीं पता कि साडी मंजिल की है, भी सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ये उत्थे जाके ही पता लगेगा। हजारां एकड़ां दे विच इन्ना साफ ते वगदा पानी फैलिया होया, और इत्थों जिहड़ियां फैरियां चलदियां कई बंदियां नूं चलदियां, उहदे बारे पूरी नॉलेज नहीं, क्योंकि ये क्लीयर है कि इहदे जिहड़े नदी तों अगे दे तट ते कुछ पिंड होणगे, कुछ लोग रहिंदे होणगे जिन्हां नूं सड़क दा रस्ता काफ़ी दूर पैंदा होगा, और उन्हां दे अगले पासे आपदे घरां नूं जाण ते इधरों जौहरा टरके शहरां नूं जाण लई ये जिहड़ियां फैरियां ये एक पुल दा काम करदियां, ते काफ़ी किराया भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, साढ़े तो मोटरसाइकिल दे सने मोटरसाइकिल 90 रुपये लिया,
एक जने का 90 रुपये। और मैनू लगता जे अहीं इन्नी बार मोटरसाइकिल चलाना होवे ते 90 रुपये का तेल ही बच जाना। बहुत वल पैणी, बहुत नहीं नहीं जी इन्ना सीधा ही जाना हुंदा तां ही लगभग मान लो भी 90 रुपये का तेल बच ही है। लोकां दी सहूलत लई है ना असल विच। वड्डी गल आ, इह आम लोकां लई चलाई जांदी, सैलानी तां साडे वर्गे पता नहीं किवें लभ लैंदे इहो जिहियां चीज़ां। कंवल कुटदा कुटदा बंदा कई बार सही जगह ते पज ही जांदा। ते बाकी बहुत खूबसूरत नज़ारे आ, बहुत ज़्यादा सोहना व्यू आ, बहुत सोहना मौसम वधिया इत्थे बणिया होया। और सब तो बेहतर ते जिहड़ी चंगी गल आ कि इस पानी का कोई भी पानी ना समुद्र का पानी ना कोई किसी तालाब का पानी उद्दी कोई रीस नहीं कर सकता। आपां पंजाब तां सोच भी नहीं सकते, असीं इहो जिहे पानी वेखे आ हिमाचल दे विच वगदे देखे आ, इस तों भी खूबसूरत पानी देखे आ, पर पंजाब दे विच तां बंदा इस तरह बारे कितें सोच भी नहीं सकता। इन्ने सोहणे पानी आ और बहुत तेजी नाल नदी वहिंदी आ, और ये जहाज़ भी तकड़े आ जिहड़े इन्ना समान लद के जां इन्नियां सवारियां लद के बिल्कुल आपदी सही दिशा जा रहा। तो मैनू लगता जे कोई छोटी किश्ती होनू इस तरह ये तो वैसे वो हवा के रुख के ही जा रहा, पानी के रुख च ना उल्ट नहीं जा रहा, पानी के रुख च ही जा रहा। पर कुछ जहाज जे पानी ये विरुद्ध भी जा रहे थे पिछे, और ये छोटा वो बहुत व्डे अगे भी कुछ फिरते दिस रहे, और बिल्कुल समुद्र का भुलेखा पाते हुए ये सारा कुछ जिन्ना है। हाँ ये बिल्कुल समुद्र का भुलेखा पाते हुए इन्ना विशाल आ कि सच्ची ऐ लगता कि जिवें समुद्र दे, हालांकि समुद्र का पानी इन्ना साफ नहीं हुंदा ना ही इन्ना खारा हुंदा। और उहदे विच अपने भारत च तां काफ़ी थावां ते बोतलां गंद पैल झग झुग इस तरह कई कुछ आया हुंदा, भावें कोई एक पासे इकट्ठा हो जाता समुद्र कितें भी आप दे विच नहीं मिल दिंदा, उहनूं चक के कंढ्यां ते सुट दिंदा। पर इत्थे बिल्कुल साफ सुथरा पूरा माहौल, पूरा तट भी पूरा साफ आ, तो पानी साफ तो हैगा ही है। और ये एक जिंदगी फातां नहीं हुई हूँ, ही इन्ना तेज़ बहाव आ क्योंकि नदी थोड़ा जिहा पिछों तेजू कोलों ये असाम दे विच एंटर करती आ, तो पिछों अरुणाचल दे विचों आउंदी आ, अरुणाचल दे विचों जां इहदा चाइना दीआं कुछ जिहड़े पर्बत आ उन्हां दी बर्फ भी खुरके नदियां दे रूप विच इहदे विच पैंदी होगी। इत्थों निकलदी इह डिब्रूगढ़ तिनसुखिया इह जौरहाट, उस तों बाद तेजपुर, फिर गुहाटी, गुहाटी तों भी अगे लंघदी होई धूपड़ी, तो फिर ये ढाके चले जांदी आ, तो ढाके तों जा के बंगाल की खाड़ी विच डिग पैंदी आ। ये सारी इस दी गलबात आ, इहदे विच काफ़ी इत्थे भी वेखीए और अगे जा के भी देखीए, असीं धूपड़ी कोलों भी इहनूं देखिआ सी, इहदे विच काफ़ी टापू बने हुए आ क्योंकि जिहड़ियां एड्डियां वड्डियां नदियां ये आपदे हिसाब नाल वगदियां, कितें भी इहनां नूं आपां जां मनुख आपदे हिसाब नाल छेती मोड़ नहीं सकदा हुंदा जिन्ना चिर इहदे ते वड्डे बन्न नहीं बणाए जांदे। और मैनूं जित्थों तक लगदा कि इहदों अगे इहदे ते कोई बन्न भी हो सकदा क्योंकि धूपड़ी कोल जिहड़ा पाणी इन्ना सोहना नहीं सी, ना ही इन्ना तेज़ वगदा सी, ते हो सकदा इहदे ते कोई वड्डा बन्न भी बनाया गया होवे, इस गल बारे पूरी जानकारी नहीं हैगी। पर जिन्ना तेज, और हुण सानूं सामने वो घाट देखण लग पिया जिहड़े घाट ते असीं उतरना, कैमरे दे विचों शायद ना दिसदा होवे, ते इह देखो इक गल होर जिहड़ा उधरों बेड़ा आ रहा, इह बेड़ा उहदे तों काफ़ी दूर दी जा रहा क्योंकि पानी दे विच कई वार ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਣ ਅਗਲਾ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ।
हाँ बिलकुल रास्ते अलग अलग कर लिया गया ता कि टकरा ना जान क्योंकि पानी चो ना कंट्रोल नहीं ना होंगे हाँ ब्रेक मार दी जाने इस तरह का कुछ नहीं होंगे। लंघ आ जा पत्तन चना दे यार लंघ आ जा पत्तन चना दे ते असी चना दे पत्तन लंघ के ते आ गए आपकी मंजिल ते इत्थे भी काफ़ी लंबा चौड़ा जगाड़ और जेडे किश्ती दे महावत आ उन्होंने आपदियां तैयारियां करनिया शुरू कर दी क्योंकि ये जदों रोकया जाता इन्हों कुछ किया जाता तो उदो बहुत तेजी ना काम करना पैंदा पर वो खड़ा ही रहिंदा उहदे नाल जाके फेरी नूं ला दिंदे आ ते बन्न दिंदे आ और एक चीज इत्थे होर भी देखी है कि पुलिस का काफी प्रबंध किया गया है ना उधर भी ते इधर भी दोनों बन्ने गड्डियां ते मोटरसाइकिल फिर इत्थों उतर जांदे और शायद आ वो आईलैंड इधरों अगे मझाली पेंड आ हुण ये सानू पता नहीं भी असी कित्थे रहना नहीं तो फिर जे ना ही रह ते फिर अहीं चक के बाइक ते भजा के तो शीला पत्थर कोलों दूजे पार निकल जावांगे बस ये साडा हैगा ये साडा वो जिहड़ा जहाज जे अगे खड़ा इहदे नाल ला के इहदे नाल ही सानू उतार दिता जाऊगा हाँ जदों भी ये लागे जाना तो उन्होंने बहुत कंट्रोल करना बहुत औखा होंगे और सारे बंदे तैयार हो गए। अज असी सुबह सीगे कोहिमा ते होना धेमा जी तिनसुखिया तो 100 किलोमीटर पिछे है ते शीला पत्थर दे कोल आ बिल्कुल। अज असी जिहड़ी खास एक एक्टिविटी कीती आ ओह सीगी ब्रह्मपुत्र दरिया नूं जौहराट कोलों फेरी द्वारा पास करना। जौहराट तों एक सीधी सड़क चले जांदी आ अगे नूं ब्रह्मपुत्र दे उपरले पासे दी जिहड़ी नौगांव हो के ते डिब्रूगढ़ हो के तिनसुखिया ते अगे तेजू नूं चले जांदी आ पर असीं इह साडे एक चलो वक्री एक्टिविटी करके असी जौहराट तो थोड़ा जा एक सैड नूं ब्रह्मपुत्र वाल नूं जाके उत्थों वड्डियां फेरियां चलदियां तुसीं देख ही लैणियां वीडियो दे विच वो फेरी दे विच बैठ के असी मझौली पहला साडा मन सी मझौली रुक जाइए पर टाइम काफ़ी करके फिर साडे दिमाग च आई कि आपां नदी तां देख लईए सारा कुछ देख लिया ते हुण आपां तिनसुखिया वाल नूं जिन्ना वी जा सकदे चले जाइए ते फिर असी इत्थे धेमा जी आ गए सी टाइम नहीं दिन खड़ा ही सी अजे ते धेमा जी दे बाहर ही एक चंगा होटल मिल गया सोहना कमरा वा खुला कमरा जिड्डा सानू चाहिए हुंदा क्योंकि साडे को समान ही इन्ना ज़्यादा हुंदा कि सानू एक कमरा समान लई चाहिए हुंदा ते चलो सस्ते रेट दे विच वधिया कमरा मिल गया ते हुण असीं उत्थे आ उस तों बाद आपां जावांगे तेजू ते देखदे आ कल नूं सारे सिस्टम नूं ते हुण इन्ना अज दे लई इन्ना ही बहुत धन्यवाद।